I think she wants to come inside. जानवरों के हंसा देने वाले कई वीडियोस इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन इन वीडियोस को एक साथ देखना काफी मुश्किल है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अतरंगी जानवरों के वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, जिनकी हरकतें आपको हंसा हंसा कर पागल बना देगी। तो आज की हमारी यह वीडियो भी काफी मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। बंदर को आपने खाते पीते या फिर मस्ती करते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि बंदर अब मुंह फुलाना भी सीख गए हैं? यकीन नहीं होता ना, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये लड़का अपने पालतू बंदर से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर का चेहरा तो देखो, जो बिल्कुल हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। और तो और इसके ये एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि इसे किसी बात का गुस्सा आया है, इसलिए ये बंदर ऐसी हरकत कर रहा है। लगता है कि ओनर ने अपने बंदर को 2 दिन से खाना नहीं दिया, शायद इसी वजह से ये बंदर भाई मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। यार 10,000 पे गुजारा कर ले यार। वो इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। हाथ नहीं लगाने का। छुआ मैंने। अब इस कैट को भी देख लो, जो इस फोटो में खुद को देखकर यही सोच रही है कि वो चांद पर कब गई थी। क्या माइला? बकरबच का नाम सुनते ही सभी के पसीने छूट जाते हैं, फिर वो चाहे कोई जानवर हो या फिर इंसान, सभी को इनसे काफी डर लगता है। पर उन डरने वालों में से ये ज़ेब्रा शामिल नहीं है। डर क्या है, मुझे पता ही नहीं। इस ज़ेब्रा को रिवर क्रॉस करके दूसरे पार जाना था, और इस रिवर में कई मगरमच्छ मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये ज़ेब्रा उनसे नहीं डरा और बड़ी शान से पानी में घुस गया और रिवर को क्रॉस करने लगा। ये करने के दौरान एक मगरमच्छ आखिरकार अपना मुंह मारने के लिए ज़ेब्रा के पास आ ही गया, जो कुछ सेकंड से चूक गया और ज़ेब्रा की किस्मत चमक गई। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? क्या माइला, ये तो सब गुंडा लोग रे, भाग रे। चल चल अभी, मैं डरता नहीं उधर से। बाल बाल बच गया रे देवा। अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें 2 हनी बैजर कई सारे शेरनियों से बिना डरे लड़ रहे हैं। ये सारे इन दोनों का शिकार करने के लिए उत्सुक है, पर फिर भी आखिर तक कोई भी इन दोनों का शिकार नहीं कर पाया, क्योंकि ये हनी बैजर डरने वालों में से नहीं है, जिनको पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे कि हनी बैजर को जंगल का सबसे निडर जानवर माना जाता है। स्क्विरल जो काफी छोटी जीव है और खाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती है, जिस वजह से इन्हें बड़े आराम से खाना मिल जाता है, पर सभी गिलहरी को खाना आसानी से नहीं मिलता। वो क्यों, ये आप यहाँ देखिए। इस क्लिप में एक स्क्विरल सामने दिख रहे पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पंछियों के लिए खाना रखा हुआ था, पर काफी मशक्कत करने के बाद भी बिचारी ये स्क्विरल ऊपर नहीं जा पाई और उसे फिर से नीचे आना पड़ा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ये देख फिसल रहा है, देखो इसको फिसल रहा साला, धीरे धीरे करके फिसल रहा है ये। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।